खासकर उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड राज्य के चुनाव परिणाम बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाले हैं तथा किसी के भी गले के नीचे से उतरने वाले नहीं हैं। शायद आप लोगों के भी गले के नीचे से आसानी से उतरने वाले नहीं हैं। इन दिखाए जा रहे परिणामों से ऐसा साफ तौर पर प्रतीत होता है कि वोटिंग मशीन ने बीजेपी के सिवाय किसी दूसरी पार्टी के वोट को स्वीकार ही नहीं किया है, अधिकांश स्वीकार ही नहीं किया है, या फिर अन्य पार्टियों के वोट भी बीजेपी के ही खाते में चले गए हैं। पार्टी द्वारा प्राप्त रिपोर्टों के मुताबिक, जो मुझे रिपोर्ट मिल रही है, तो पार्टी द्वारा प्राप्त रिपोर्टों के मुताबिक मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी ज्यादातर वोट बीजेपी को ही चले गए हैं, जिससे इस आशंका को और भी ज्यादा बल मिलता है कि वोटिंग मशीनों को अवश्य ही मैनेज किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक भी टिकट मुस्लिम को ना दिया हो, इसके बावजूद भी मुस्लिम बहुल्य इलाकों में मुस्लिम समाज का वोट बीजेपी को चला जाए, क्या आप लोगों के गले के नीचे से ये उतर रहा है? हमारी पार्टी के लोगों के, मैं समझती हूँ कि पूरे दुनिया में भी यदि ये बात उनके सामने रख दी जाए तो उनके गले के नीचे से नहीं उतरेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह को मैं खुली चेतावनी देती हूँ, यदि आप सही मायने में ईमानदार हैं तो आप मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखकर दो कि ये जो चुनाव है तो हमको सही वोट पड़ा है। यदि वो सही ईमानदार हैं तो ये वोटिंग मशीन वाला जो है चुनाव, तो इसको रद्द करा के मुख्य चुनाव आयोग को बोले, जो पुरानी व्यवस्था थी बैलेट पेपर की, उससे चुनाव कराएं।